आज हम मेज रनर मूवी की पार्ट 2 को लेकर विस्तार में आलोचना करेंगे। और अगर आप इस मूवी की पार्ट 1 की स्टोरी जानना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि वो लेडी डॉक्टर एवा पेज और WCKD नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सोल्जर्स मिलके थॉमस और कुछ अबंडेंट बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं। थॉमस को उसकी मम्मी ही वहाँ पर छोड़ने आई थी उसी के सेफ्टी के लिए। उसके बाद प्रेजेंट सीन में वो रेस्क्यू टीम थॉमस और उन ग्लाइडर्स को लाके एक फैसिलिटी में रखते हैं। उस फैसिलिटी के मैनेजर मिस्टर जैनसन एक्सप्लेन करते हैं कि ये फैसिलिटी उस वायरस से और WCKD ऑर्गेनाइजेशन से सेफ है। उसके बाद उन लोगों को खाना और कपड़ा दिया जाता है। वहाँ पर और भी बहुत लोग दिखते हैं जो कि दूसरे मेड्स की सर्वाइवर्स थे। थॉमस को शक होता है और वो एरिस नाम के एक मेज सर्वाइवर के मदद से एक टनल से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि WCKD के लीडर एवा अभी भी जिंदा है और मिस्टर जैनसन WCKD के लिए ही काम करता है। और एवा जैनसन को ऑर्डर देती है कि अगर राइट आर्म ना मिले तो उस फैसिलिटी में मौजूद हर एक सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। तभी एरिस, थॉमस और थॉमस के ग्रुप वहां से भाग जाते हैं। तो जैनसन उसके ट्रूप्स को ऑर्डर देता है उन लोगों को ढूंढ के वापस लाने के लिए। इसके बाद उन लोगों को चारों तरफ बस रेगिस्तान दिखाई देता है। फिर वो लोग एक अबंडेंट मॉल में घुसता है और वहां पर उन लोगों को जॉम्बी दिखाई देते हैं। असल में इंसान उस वायरस की वजह से जॉम्बी बन गए हैं। वहां पर विंस्टोन नाम के एक लड़की को जॉम्बी काट लेता है। सुबह जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि WCKD उन लोगों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। विंस्टोन की इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से उसे एक जगह एक बंदूक के साथ छोड़ दिया जाता है ताकि जॉम्बी में बदलने से पहले वो खुद को शूट कर सके। उसके बाद एक दिन रात के वक्त थॉमस उस रेगिस्तान में दूर कहीं लाइट जलते हुए देखता है, तो वो जाके देखता है वहाँ पर बहुत सारी जॉम्बीज को बांध के रखा हुआ है। और वहाँ पर वो लोग ब्रेंटा और जॉर्ज से मिलता है जो कि एक सर्वाइवर ग्रुप को लीड करता है। वो लोग उन जॉम्बीज को उनके फैसिलिटी के गार्ड के लिए यूज करते हैं। फिर थॉमस और बाकी लोग उस फैसिलिटी के अंदर जाते हैं, परंतु कुछ ही देर में वहाँ पर जैनसन WCKD के ट्रूप्स लेकर अटैक कर देते हैं। वहाँ से सभी सर्वाइवर्स भाग जाते हैं ब्रेंटा और थॉमस के सिवाय। थॉमस और ब्रेंटा के सामने जॉम्बीज आ जाते हैं और ब्रेंटा को काट लेता है। फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद थॉमस को एक फ्लैशबैक आता है और उसको याद आता है कि थेरेसा को एक बार वो WCKD के प्लान के बारे में वार्न किया था जब वो लोग वहाँ पर काम करते थे, और तभी WCKD उन लोगों को अलग कर दिया था। इसके बाद ब्रेंडा और थॉमस बाकी के ग्रुप के साथ मिलते हैं। फिर जॉर्ज वहाँ पर मार्कस नाम के एक लड़के से पूछताछ करता है जो कि छुपके WCKD के साथ काम करता है और सर्वाइवर्स की छुपने की जगह और राइट आर्म के बारे में WCKD को बताता रहता है। उसके बाद थॉमस और ग्रुप राइट आर्म के कैंप पर पहुँचता है जहाँ पर विंस उन लोगों को वेलकम करता है, और वहीं पर ब्रेंटा सेंसलेस हो जाती है क्योंकि जॉम्बी के इन्फेक्शन उसके शरीर में फैल चुका था। तो विंस उसको गोली मारने की बात करता है, तभी मैरी कूपर नाम की एक फॉर्मर WCKD साइंटिस्ट आके विंस को रोक देती है और कहती है कि थॉमस जब वहाँ काम करता था तब थॉमस ही उन लोगों का इन्फॉर्मर था। और ब्रेंटा को एक एंजाइम क्योर इंजेक्शन देती है और बताती है कि ये एंजाइम बनाया नहीं जा सकता है, इसे डायरेक्टली उसके बॉडी से लिया जा सकता है जो कि इम्यून है, और एवा से इसी मतभेद के कारण वो अलग हो गई थी। उसी रात थेरेसा WCKD को कॉल करती है और लोकेशन बता देती है, क्योंकि उसे लगती थी कि WCKD जो कर रहा है वो भले के लिए ही है। तो WCKD वहाँ पर आके अटैक कर देते हैं। वहाँ पर एवा और जैनसन भी आते हैं और बहुत सारे सर्वाइवर्स को पकड़ लेते हैं। जैनसन मैरी कूपर को गोली मार देता है और मैरी मर जाती है, पर थॉमस और राइट आर्म लड़ते रहते हैं, तो WCKD पकड़े हुए सर्वाइवर्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी वहाँ पर बस कुछ ही सर्वाइवर्स बचे थे। थॉमस मन बना लेता है कि वो WCKD फैसिलिटी जाएगा और अपने दोस्त और पूरी इंसानियत को बचाएगा।
थॉमस के बाकी दोस्त और राइटर उसके साथ देने की वादा करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप मेज रनर मूवी के पार्ट 1 के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।